धन ऐश्वर्य विद्या यश कुल बल इन सब में अव्वल नंबर पर रहने वाले रावण को राक्षस कहा है। उसमें कहीं भी ह्यूमैनिटी नहीं है, कहीं भी ह्यूमैनिटी नहीं है, मनुष्यता नहीं है, न उसके पास धन की कमी है। हनुमान जी जब जाते ना लंका में आश्चर्य में पड़ जाते हैं रावण के ऐश्वर्य को देखकर। आप अपनी लाइफ में कितनी लग्जरीज को इमेजिन करोगे, वो सब उसके पास इजिली फैसिलिटेटेड है। उसका अपना उसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। वाल्मीकि जी लिखते हैं हम तो शुक्र शनिचर को शांत करने के लिए पंडित जियों से अनुष्ठान कराते, लंका में खुद शनि बैठ के अनुष्ठान करता महाराज। वाल्मीकि लिखते हैं खुद शनि देव बैठे हैं लंका में बंधे हुए और अनुष्ठान इस बात का कर रहे हैं कि मेरा कब छुटकारा होगा यहां से, खुद मेरे ऊपर से मेरी साढ़े साथी कब उतरेगी। आप जरा वाल्मीकि देखें। बृहस्पति बैठे हैं, पूरी दुनिया को काल ने बांध रखा है, रावण ने काल को बांध रखा है महाराज, उसको बांध रखा है। सक्सेस की चरम सीमा है, काल को बांध रखा है। कुबेर को, कुबेर उसके अंडर में है। बता किस कहीं का जो कुबेर मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है आज की भाषा में। अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर ही आपके यहां रोज टी पर आता और मॉर्निंग घर से निकल के पहले ब्रेकफास्ट टी यहां और फिर ऑफिस जाए, तो ऐसे आदमी को और जगह का तो नहीं पता, पर इस देश में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी अद्भुतता महाराज, ऐसी ऐसी रूपवती कुलवती सिद्ध शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध। अच्छा पत्नी भी ऐसी है मंदोदरी अद्भुत। एक श्लोक है जो हमारे यहां जितने भी पुरोहित हैं उस श्लोक को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। कहते हैं ये पांच कन्याएं ऐसी हैं अगर इन्हें रोज याद कर लो तो आपके जीवन में होने वाली बहुत सारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टल सकती है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। शायद जब भी पूजाएं होती हैं आपके घरों में श्लोक बड़े आराम आम से बोला जाता होगा, ध्यान नहीं दिया हो तो अलग बात है। अहिल्या द्रौपदी तारा, ये तारा दो हैं, एक तारा है बाली की पत्नी, उसके द्वारा कही हुई एक एक बात इतनी गंभीर है, और एक बृहस्पति की पत्नी है तारा, एक कुंती और अंतिम रावण की पत्नी मंदोदरी। नित्य मंदोदरी का स्मरण करने वाला व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त होता। आप देखिए ये भी हमारे शास्त्र की विचित्रताएं हैं। रावण को याद कर लो तो दिन खराब हो जाए, मंदोदरी याद कर लो तो दिन सफल बन जाए। ऐसी ऐसी जिसकी सफल पत्नी है, ऐसा पुजारी है जिसने शंकर को प्रसन्न किया है, भगवान ने प्रसन्न होकर चंद्रशाला खड़क दी है उसको। और आप एक तरफ विचार करिए ऐसा राजा है कि सबको मालूम है कि ही इज नॉट राइट, उसके बाद भी सब उसके लिए मरने को तैयार बैठे। मेघनाथ कहता है पिता ने अच्छा किया बुरा किया वो जाने, मेरा धर्म है कि मैं पिता के लिए मर जाऊंगा।
एक तरफ अयोध्या से प्रजा ने राम जी को निकाल दिया और दूसरी तरफ लंका से रावण के लिए प्रजा मरने को तैयार है। एक जगह रामायण में वर्णन आया कि जब सुबह सुबह रावण उठता है ना और सोचता है आज कुछ खास प्लान नहीं है, इट्स अ वीकेंड, तो मैं आज क्या करूं, आज थोड़ा इजी, आज कुछ करने लायक नहीं है, क्या करूं, चलो आज स्वर्ग जीता था। इतना सोचता है कि देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं, ये आ गया तो होगा क्या हमारा। वेदज्ञ स्नातज्ञ त्रिकालज्ञ तंत्र का विशेषज्ञ, यंत्र का विशेषज्ञ, मंत्र का विशेषज्ञ और एक बात षड्यंत्र का विशेषज्ञ, क्या सब जानता है, मारे मारीच को घुमाया, सबको इंप्रेशन देना जानता है सब। सीता जी जैसे मान जाए महाराज, और उसके बाद भी बड़ा अद्भुत, अपनी अपनी जो उसने बहू चुनी है प्रमिला, क्या प्रमिला का चरित्र है। अगर रामायण में विचार करना हो तो सबसे श्रेष्ठ दो सतियां हैं, एक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और एक मेघनाथ की पत्नी प्रमिला, उसका एक नाम प्रमिला भी है। हनुमान जी ये सब देखकर चौंके हुए थे, हनुमान जी स्तब्ध हैं इसकी व्यवस्था को देखकर, कमाल हो गया। और जब गया है सीता जी से मिलने, कभी अकेला नहीं गया, सारी पत्नियों को संग लेके, ही वाज जस्ट प्रपोजिंग। आज का रावण तो सबसे खतरनाक है, वो तो एक्सपोज ही करते, ये तो प्रपोज करता शादी कर लो। इसके बाद भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेटस भी बहुत अच्छा है। अच्छा बड़ा सुंदर है महाराज रावण, सीरियल में जो दिखाया गया आई डोंट नो कि ऐसा हंसता है और मूछ लंबी है और कुरूप, ना 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 ना, वो सब बेकार की बात है। वो तो उनको कोई विलन दिखाना है तो विलन का एक फॉर्म भी दिखाना है। इतना सुंदर है रावण जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हनुमान जी ने देखा था बड़ी बड़ी अप्सराएं बैठकर बगीचों में तप कर रही थी कि रावण कभी हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले महाराज, सब था। पर उसके बावजूद भी तपस्वी था, कुंभकर्ण खाने पीने सोने में बेकार था, पर रावण का न तो भोजन पवित्र था और न पाना अपवित्र, न खाना अपवित्र, न पीना अपवित्र, बिल्कुल पक्का आदमी था। पर उसके बाद भी वाल्मीकि, उसको राक्षस कहते हैं, इसका जो एटीट्यूड है वो डिमिनिश है, डीमन है।